बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, बिल्कुल मार्केट जैसा। इसे हम घर में बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में बन जाता है। अब हम बाज़ार से इतना महंगा ख़रीद कर लाते हैं तो इसके लिए चले देखते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 7 से 8 हम टमाटर लेंगे, बड़े साइज़ का है, आधा किलोग्राम के करीब है ये। और ये देखिए बिल्कुल लाल होना चाहिए टमाटर, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो इसको इस तरह से बीच से कट लगाएंगे और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे रिमूव कर देंगे और इस तरह से हम सारे टमाटर को करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे टमाटर इस तरह से हम काट के रख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम पैन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम यहाँ पे 10 से 12 लहसुन डालेंगे। तो अगर आप बड़ा लहसुन ले रहे हैं तो बड़े साइज़ का है तो 5 से 7 ही डालें। एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और पिंक होने तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और हाई फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और हाई फ्लेम पे ये देखिए हल्का हल्का पिंक होने शुरू हो गई है प्याज। तो फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर। ये देखिए काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून है मिक्स हर्ब या ओरिगैनो, जो भी आपके पास हो 1 टीस्पून डालना है इसे। और फिर 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। तो मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर यहाँ पर हम कटे हुए टमाटर डालेंगे सारे मसाले को मिक्स करने के बाद। और फिर हम इसे पलट देंगे, ये देखिए जो ये छिलके वाली साइड है इसको ऊपर की तरफ करके। फिर इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। और फिर हम इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। पहले नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है और फ्लेम को हाई भी नहीं करना है और बार बार इसे चेक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से सारे टमाटर की साइड को चेंज कर देना है। यहाँ पर ये देखिए उल्टा करके इसे कवर कर देंगे। फिर हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और 12 से 15 मिनट बाद ही हम इसे चेक करेंगे। 12 से 15 मिनट बाद अब देखेंगे कि ये देखिए कितना सारा इसमें पानी रिलीज़ हो गया है टमाटर का। और ये देखिए इसकी स्किन इस तरह से हटा लेना है। आप ये किसी भी स्पून से अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से हम सारी स्किन इसी तरह से निकाल कर हटा लेंगे। तो ये स्किन निकालना इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर से इसे रिमूव कर दें। तो यहाँ पर देखिए निकालने के बाद जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत लगे बाद में भी आप इसे रिमूव कर लें। और फिर इसे मैश करते हुए कुक करेंगे। इसे इसी चम्मच से बार बार मैश करते जाएंगे तो छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे भूनते भी जाएंगे और इसको मैश भी करते जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून शक्कर है और 2 टेबल स्पून है टोमेटो केचप। शक्कर है ना ये टमाटर के खट्टा, जो टमाटर जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए शक्कर डाला जाता है, तो उसको स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और केचप भी डालें, इससे भी टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। और ये देखिए मैश सा हो गया है। और ये देखिए जो अभी थोड़े थोड़े से चंक्स रह गए हैं उसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसे एंड में ग्राइंड करना है। तो ये देखिए इतना ठीक हो जाए फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कम्प्लीट ठंडा होने देंगे। ये देखिए कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। तो फिर हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के बस 1/2 मिनट तक इसे ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना होता है, थोड़ा थोड़ा सा ये दरदरा सा होता है सॉस, तभी ये अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट का भी सॉस जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको 1/2 मिनट तक मैंने मिक्सी की जार में चला लिया है। तो ये ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ कि पिज़्ज़ा सॉस की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।